हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 12th में अकाउंट में चैप्टर नंबर 3 में लास्ट वीडियो में हमने बैलेंस शीट कैसे बनाते उसके नोट्स के साथ हमने देखा था। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल सम से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम हमारा जो सम नंबर 3 है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे हमें सम नंबर 3 में दिया है कि हाउ विल यू शो द बैलेंस इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट। अब यहाँ पे हमें आपको कुछ बैलेंसेस दी गए, उन बैलेंसेस को हम कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट में कहाँ पे हम बताएंगे वो दी गए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सी हमें बैलेंसेस दी गई। तो क्रेडिटर, सिक्योरिटी प्रीमियम, बॉन्ड, गुडविल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स रिसीवेबल, इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉपीराइट, डिबेंचर डिस्काउंट्स, कॉल्स इन एडवांस, कैश, ट्रेडमार्क, डिबेंचर, लोन, प्रोविडेंट फंड, लूज टूल्स, जनरल रिजर्व, बिल्स पेबल, डेप्टर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, फिर उसके बाद कॉल्स इन एडवांस, पेटेंट, स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स, डिबेंचर रिडक्शन फंड, क्लोजिंग स्टॉक, लाइसेंस, सरप्लस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर डिपॉजिट इन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बैलेंसेस दी गए, उस बैलेंसेस को हमें बताना है कि हम बैलेंस शीट में कहाँ पे इसे हम प्रेजेंट करने वाले हैं वो। अब हम हमारा ये जो सम है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्रेडिटर दिया हुआ है, तो क्रेडिटर को हम बैलेंस शीट में जो हेड है का वो है इक्विटी एंड लायबिलिटी। मेन हेड हम डालेंगे करंट लायबिलिटी और सब हेड के अंदर दैट मींस कि ट्रेड पेबल के अंदर हम इसकी एंट्री करेंगे। सेकंड हमें दिया हुआ है कि सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस शीट जो मेन हेड है वो हमारे लिए इक्विटी एंड लायबिलिटी, मेन हेड हमारा होगा शेयर होल्डर्स फंड और शेयर होल्डर्स फंड में भी हम रिजर्व एंड सरप्लस में इसकी एंट्री करेंगे। थर्ड इज बॉन्ड, बॉन्ड हमारा है उसको हम बैलेंस शीट हेड है इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड हम उसकी एंट्री करेंगे अंडर द मेन हेड ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी एंड सब हेड ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सो इस तरह से हम एंट्री करेंगे। देन आफ्टर गुडविल, गुडविल विल बी शोन इन द बैलेंस शीट एंड द असेट साइड इन द मेन हेड ऑफ नॉन करंट असेट्स एंड सब हेड ऑफ फिक्स असेट्स इन्वेंट्री। उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट के हम एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर एंड इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड अंडर द मेन हेड ऑफ करंट लायबिलिटी एंड सब हेड ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। तो इस तरह से यहाँ पे हम जो मेन हेड और बैलेंस शीट में हम किस तरह से ये सारी चीज़ों को हम बताएंगे वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद हमें दिया है कि बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हम बताएंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी है अंडर द मेन हेड ऑफ करंट लायबिलिटी क्योंकि वो एक साल के कम की होती है एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग के सब हेड में हम इसकी एंट्री करेंगे। फिर हमें दिया बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल की एंट्री होगी बैलेंस शीट में असेट्स की साइड क्योंकि वो हमारे लिए हमारी असेट्स है और असेट्स कौन सी है, किस टाइप की है, करंट असेट्स है क्योंकि वो एक साल के कम की होती है और उसकी एंट्री हम करेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, उस तरह के हेडिंग में इसकी एंट्री करेंगे। देन आफ्टर हमें यहाँ पे दिया गया कि इक्विटी शेयर कैपिटल, अब इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे लिए शेयर होल्डर्स फंड इसलिए वो कहाँ पे आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। अब इसका मेन हेड हमारे यहाँ पे क्या होगा शेयर होल्डर्स फंड क्योंकि वो हमारे लिए शेयर होल्डर्स हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और सब हेड कौन सा होगा शेयर कैपिटल, तो सब हेड हमारे लिए आएगा शेयर कैपिटल हेडिंग में हम इक्विटी शेयर कैपिटल की एंट्री करेंगे। देन आफ्टर कॉपीराइट, कॉपीराइट हमारे लिए क्या है हमारी असेट्स है इसलिए उसके हम असेट साइड एंट्री करेंगे। मेन हेड हमारा आएगा नॉन करंट असेट्स क्योंकि वो एक साल से ज़्यादा की वो जब तक कंपनी चलती है तब तक उसकी एंट्री जो है नॉन करंट लायबिलिटी असेट्स तक होगी और मेन करंट सब हेड आएगा हमारे यहाँ पे फिक्स असेट्स। देन आफ्टर डिबेंचर डिस्काउंट जो हम एवरी ईयर राइट ऑफ करने वाले तो वो हम फिक्टिशियस असेट है इसलिए उसकी एंट्री होगी बैलेंस शीट में असेट्स की साइड अंडर द हेडिंग ऑफ करंट असेट्स। मेन हेड आएगा करंट असेट्स एंड सब हेड आएगा हमारा अदर करंट असेट्स। देन आफ्टर इस कॉल्स इन एडवांस, अगर हमें एडवांस में अमाउंट मिले तो वो हमारे लिए लायबिलिटी है इसलिए इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड हम इसकी एंट्री करेंगे। मेन हेड क्या आएगा करंट लायबिलिटी एंड सब हेड आएगा हमारे लिए अदर करंट लायबिलिटी। देन आफ्टर कैश, कैश हमारे लिए हमारी क्या है असेट्स है बट कौन से टाइप के असेट्स है करंट असेट्स इसलिए मेन हेड यहाँ पे आएगा हमारा करंट असेट्स एंड सब हेड हमारा यहाँ पे आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दैट मीन्स कि कैश की एंट्री हम सारी यहाँ पे करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया है प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड हमारे लिए हमारी लायबिलिटी है इसलिए हम उसकी एंट्री करेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी और उसमें सब हेड का क्या आएगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। देन आफ्टर इस डिबेंचर, तो डिबेंचर हमारे लिए लायबिलिटी है तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड किस तरह की लायबिलिटी है, मेन हेड आएगा नॉन करंट लायबिलिटी एंड सब हेड आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स।
देन आफ्टर ट्रेडमार्क, तो ट्रेडमार्क हमारे लिए हमारी असेट्स है, किस तरह के असेट्स है, मेन हेड आएगा नॉन करंट असेट्स एंड सब हेड आएगा फिक्स असेट्स इंटेंजिबल असेट्स के रूप में। उसके बाद यहाँ पे हमें दिया हुआ है लूज टूल्स। लूज टूल्स मतलब कि स्पेयर के जो टूल्स होते हैं छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स, वो हमारे लिए क्या है असेट्स। अब किस तरह के असेट्स है, करंट असेट्स, इसलिए उसकी एंट्री होगी बैलेंस शीट में असेट्स की साइड अंडर द हेडिंग मेन हेड ऑफ करंट असेट्स एंड सब हेड ऑफ इन्वेंट्रीज। देन आफ्टर लोन, तो लोन हमारे लिए हम नेक्स्ट ईयर एवरी ईयर हम नेक्स्ट ईयर हम रीपेबल करें, तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी एक साल के अंदर पेमेंट करें, इसलिए वो मेन हेड आएगा करंट लाइबिलिटी एंड सब हेड आएगा और अदर करंट लाइबिलिटीज। देन आफ्टर इस बिल्स पेबल, बिल्स पेबल हमारे लिए लाइबिलिटी, इसलिए उसकी एंट्री होगी बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड। अब मेन हेड यहाँ पे आएगा करंट लाइबिलिटी और जो सब हेड आएगा वो आएगा ट्रेड पेबल्स। देन आफ्टर इस जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व हमारे लिए है इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड हम एंट्री करेंगे, वो है हमारे लिए शेयर होल्डर्स फंड, मतलब कि मेन हेड आएगा शेयर होल्डर्स फंड एंड सब हेड आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि पब्लिक लाइबिलिटी, पब्लिक डिपॉजिट। अब पब्लिक डिपॉजिट हमारे लिए एक तरह की लाइबिलिटी है, तो उसकी एंट्री होगी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। हमने लिखा कौन से हेड, सब मेन हेड आएगा नॉन करंट लाइबिलिटी एंड सब हेड आएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग। फिर है डेप्टर्स, तो डेप्टर्स हमारे लिए असेट्स हैं, किस तरह के असेट्स हैं, करंट असेट्स यहाँ पे हैं और एंट्री कहाँ पे होगी ट्रेड रिसीवेबल्स में। देन आफ्टर इज पेटेंट, तो पेटेंट हमारे लिए असेट्स है, किस तरह के असेट्स हैं, नॉन करंट असेट्स हैं और वो सब हेड आएगा उसका फिक्स असेट्स और फिक्स असेट्स में इंटेंजिबल असेट्स में इसकी एंट्री करेंगे। देन आफ्टर डिबेंच कॉल्स इन एरास, तो कॉल्स इन एरास जो है वो हमारे लिए लाइबिलिटी है, इसलिए मतलब कि एक तरह की हमारा जो फंड है वो कम होता है, शेयर कैपिटल कम होती है, इसलिए उसकी एंट्री होगी इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड। मेन हेड होगा शेयर होल्डर्स फंड और कहाँ पे आएगी इसकी एंट्री हम शेयर होल्डर्स फंड में से माइनस करेंगे। देन आफ्टर डिबेंचर रिडप्शन फंड इन्वेस्टमेंट, कि यहाँ पे हम रिडप्शन फंड इन्वेस्टमेंट करें तो हमारे लिए असेट्स है, किस तरह का असेट्स है, अदर नॉन करंट असेट्स है और कहाँ पे आएगी इसकी एंट्री, सब हेड आएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। देन आफ्टर स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, तो वो हमारे लिए असेट्स है, किस तरह के करंट असेट्स और सब हेड क्या आएगा इन्वेंट्रीज। सेम इट इज लाइसेंस, तो लाइसेंस हमारे लिए असेट्स है पर किस तरह के असेट्स है, नॉन करंट असेट्स, दैट मीन्स कि मेन हेड आएगा नॉन करंट एंड सब हेड आएगा फिक्स असेट्स इंटेंजिबल असेट्स। देन आफ्टर क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए असेट्स है बट मेन हेड क्या आएगा करंट असेट्स एंड सब हेड आएगा यहाँ पे इन्वेंट्रीज। देन आफ्टर बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस भी हमारे लिए असेट्स है पर किस तरह के असेट्स है, करंट असेट्स और सब हेड पे आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। देन आफ्टर सरप्लस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हमारे लिए इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इसलिए उसके साइड हम उसकी हम शेयर होल्डर्स फंड में अंडर द सब हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस में हम उसकी एंट्री करेंगे। लास्ट में हमें दिया है डिपॉजिट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो हम वो हमारे लिए असेट्स है क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसकी एंट्री होगी नॉन करंट असेट्स में एज अ लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। देन आफ्टर प्रीमियम ऑन रिडक्शन, अगर हम रिडक्शन हम कर रहे हैं तो उसके लिए हम प्रेफरेंस शेयर्स का अगर हम रिडक्शन कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है एक लाइबिलिटी है, तो वो हम लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड अंडर द नॉन करंट लाइबिलिटी एंड सब हेड आएगा अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। तो इस तरह से यहाँ पे हमने सारे हेड्स एंड सब हेड्स की एंट्री जो है वो की। आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कौन सी बैलेंस की एंट्री कहाँ पे होती है, वो उसके ऊपर से यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको आपके होमवर्क में इलस्ट्रेशन वन, जो आपकी टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन वन जो है वो आपको आपकी होमवर्क में करना है, एज वेल एज ये जो सम है वो भी आपको नोटबुक में करना है। हम नेक्स्ट वीडियो में अनदर सम्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू।